की जन पीड़ा है उसमें पीड़ा सुनेंगे और प्रदेश में जाकर ये बात कहेंगे आपका निर्णय गलत है। मांडलगढ़ के स्टेच्यू सर्किल पे खड़ा कर दीजिए, मुझे भी खड़ा कर दीजिए और हमारे प्रत्याशी जी को भी खड़ा कर दीजिए। आप बता दीजिए इस देश का, इस मांडलगढ़ के इन कार्यकर्ताओं के निर्माण क्या योगदान है, वो मालूम पड़ जाएगा तुमको कि कैसे साइकिल से दौड़ना आलिया अनुवासा। मंडलगढ़ विधानसभा से भाजपा द्वारा गोपाल लाल शर्मा को फिर प्रत्याशी बनाए जाने को गलत ठहराते हुए नाराज भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विधायक आवास से कुछ दूरी बड़ी बैठक की है, जहां उन्होंने खुलकर विधायक पर कांग्रेस का साथ देने का आरोप लगाया और पार्टी को क्षेत्र में नुकसान पहुँचाने की बात कही। इसी के साथ वहाँ मौजूद नेताओं ने टिकट बदलने की आलाकमान तक पहुँचाने की मांग रखी। इसे लेकर आज एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर जाएगा, अगर मांग नहीं मानी गई तो फिर अगला कदम उठाने की भी चेतावनी दी गई। मांडलगढ़ बीगोद के बीच होड़ा टोल प्लाजा के निकट आज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता और कार्यकर्ता जुटे। यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश भट्ट, जगदीश चंद, राम सिंह, हर्षेंद्रा कंवर, कैलाश सुथार, नीता विजयवर्गीय, मुकेश धाकड़, भगवान सिंह के साथ ही कई भाजपा नेताओं ने पार्टी द्वारा गोपाल लाल शर्मा को फिर प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में क्षेत्र में भाजपा पिछड़ी है।